हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज मैं आपको सूर्य के बारे में बताऊंगी, सूर्य के लेयर्स के बारे में और सूर्य की परिक्रमा के बारे में। आपको इस जानने को मिलेगा सूर्य पर एनर्जी का स्रोत क्या है और कैसे प्रकाश उत्पन्न होता है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रह, उपग्रह और पिंड घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और जो पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है और 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। सूर्य की मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन और भी तत्वों से हुआ है। इनमें से हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा का लगभग 74% तथा हीलियम 24% है। सूर्य का व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। सूर्य को टेलीस्कोप से देखने पर इसकी सतह पर छोटे बड़े धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सन स्पॉट कहा जाता है। ये स्पॉट अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 24 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक सौर वर्ष भी कहते हैं। इसके परिक्रमा करने की गति 251 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सन स्पॉट सूर्य के प्रकाश मंडल की अस्थायी घटना है। जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो धब्बे के रूप में दिखता है। इसे सन स्पॉट्स कहते हैं। इस धब्बे का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक होता है। सूर्य आज सबसे अधिक स्थिर अवस्था में अपने जीवन के करीबन आधे रास्ते पर है। इसमें कई अरब वर्षों से कोई बदलाव नहीं हुआ है और आगामी कई वर्षों तक यूं ही अपरिवर्तित बना रहेगा। हालांकि एक स्थिर हाइड्रोजन दहन काल के पहले और बाद का सूरज बिल्कुल अलग होता है। सूर्य की 3 लेवल्स हैं। पहला कोर, दूसरा रेडिएक्टिव जोन, तीसरा कन्वेक्टिव जोन। पहला कोर, सूर्य के केंद्र को कोर कहते हैं, जिसका व्यास लगभग 3,00,000 किलोमीटर है। यहाँ का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ताप पर परमाणु का विभाजन इलेक्ट्रॉन और नाभिक में होता है जिसमें प्लाज्मा का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में परमाणु के नाभिक एक दूसरे से टकराते हैं जिससे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। प्लाज्मा, सर्वप्रथम इरविन लैंगमूर ने प्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया था। ये एक भौतिक शास्त्री थे। बहुत अधिक तापमान पर कोई भी पदार्थ अपनी 3 सामान्य अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में नहीं रहकर प्लाज्मा में रहता है। इसी को पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। दूसरा, रेडिएक्टिव जोन। इस जोन की चौड़ाई लगभग 3,00,000 किलोमीटर है। ये कोर और कन्वेक्टिंग जोन के बीच का भाग है, जैसे पृथ्वी का मेंटल होता है। सूर्य के कोर से उत्पन्न ऊर्जा जैसे फोटोन, एक्सरे, गामा रे इसी जोन से होकर गुजरती है। तीसरा, कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन रेडियोएक्टिव जोन को घेरा हुआ है। इसकी चौड़ाई लगभग 1,00,000 किलोमीटर है। यह जोन कोशिकाओं से बना हुआ है। इन्हीं कोशिकाओं से होकर सौर ऊर्जा बाहर निकलती है।
कन्वेक्टिव जोन को तीन भागों में बांटा गया है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। सोलर रोटेशन, सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है, जिसे सौर परिभ्रमण कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर 7 डिग्री का कोण बनाता है। सोलर विंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के अलावा सूर्य से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कण विसर्जित होते हैं। इन्हीं आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से सूर्य पवने निकलती हैं। रेडियो फेड आउट, सौर पवनों के प्रभाव से पृथ्वी के आयन मंडल को नुकसान होता है, जो रेडियो फेड आउट कहलाता है। अरोरा, अंतरिक्ष से आने वाली किरणें और पवनों और पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के बीच घर्षण के कारण पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर चमक उत्पन्न होती है, जिसे अरोरा कहते हैं। यहाँ पर मैंने सन से रिलेटिव लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।